हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताएंगे जिनका उपचार आप नीम के पत्तों से कर सकते हैं। इन बीमारियों में चेचक, खुजली या सिर में जुएं, फोड़े फुंसी, कब्ज़ और गठिया की बीमारी अहम है। तो आइए दोस्तों, इन नुस्खों के बारे में शुरू करते हैं। अगर आपको चेचक की समस्या है तो नीम के पत्तों को उबालकर खाने से लाभ होता है। चेचक निकलने पर रोगी को नीम की पत्तियां बिस्तर पर बिछाकर उस पर लेटाएं। 3-4 बार बिछावन की पत्तियों को बदलते रहना चाहिए। पीने के पानी में भी नीम की पत्तियों का रस देना उपयोगी है। नीम की पत्तियों की झाड़ू सी बनाकर या टहनी से रोगी को हवा करने से भीतर का दाह शांत होता है और चेचक के दाने शीघ्र ठीक हो जाते हैं। अगर आपको सर में जुओं की समस्या है या बालों में खुजली रहती है तो नीम का तेल या निबोली को पानी में पीस कर लगाने से सिर की जुएं अथवा खुजली नष्ट हो जाती है। यदि सिर के बाल झड़ते हो तो सिर में लगाने से बालों का झड़ना भी रुक जाता है। इसके अलावा दोस्तों, घाव या फोड़े फुंसी होने पर नीम की पत्तियों को पीसकर कपड़े में निचोर कर रस निकाल लें। इस रस में घाव के बराबर का रुई का फायर लेकर उसे इसमें डुबोकर हल्का सा दबाकर घी में छोक लें। हल्का हल्का गर्म होने पर उसे घाव पर पट्टी रखकर बांध दें। यदि घाव को पानी में नीम का रस मिलाकर धोकर साफ कर दें तो ये और भी फायदेमंद है। इससे घाव शीघ्र ही भर जाता है। नीम की पत्तियों को पीसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने या नीम के पत्तों को गर्म कर बांधने से फोड़ा फुंसी ठीक ही शीघ्र हो जाते हैं। अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो नीम के फूलों को साफ पानी में धोकर सुखा लें और उन्हें पीसकर सुखाकर रख लें। यह चूर्ण चुटकी भर नित्य रात को गर्म पानी में इसे फंकी लें। इससे आपको कब्ज़ में फ़ायदा होगा। गठिया की सूजन पर नीम के तेल की मालिश करें तथा नीम के पत्तों को पानी में उबालकर भाप से सेक करें और गर्म गर्म पत्तों को बांध लें। इससे आपको गठिया की समस्या में समाधान मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको नीम के पत्तों के कुछ उपायों के बारे में बताया। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।